कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा, कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा, कौन कहा कौन कहा कौन कहा कौन कहा। आज ये जो सम्मान मुझे आप दे रहे हैं वो मैं चाहता हूँ कि वो वहाँ जो बैठे हैं धोती कुर्ते में मेरे बाबूजी, नहीं उनके बाबूजी जैसे हैं उनके सिमिलर हैं, उनके हाथों देना चाहता हूँ। मैं तेरा पिता जैसा नहीं बेटा, मैं तेरा पिता हूँ। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्साइटमेंट्स ने, भावनाओं ने, जज्बातों ने आज इस इंडियन क्लब न्यू जर्सी में डेरा डाल लिया है। क्या हो गया बच्चों को? बाबूजी के सामने शराब? मौन व्रत धारण कर लिया है या दीवार को देखकर मेडिटेशन कर रही हो? कुछ तो बोलो महारानी। देखो मुझे लगता है कि तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है। क्या है बोलो। स्वीट हार्ट, तुम्हारी एक एड एजेंसी है राइट? और वो इंडिया के टॉप एजेंसीज में से एक है ना? इसका उससे क्या संबंध है? कूल इट, बता रही हूं मैं। तुम ये तो जानते हो कि तुम्हारी एजेंसी कई ऐसे घटिया प्रोडक्ट्स को लोगों के सामने इस तरह पेश करती है कि उस प्रोडक्ट्स के सेल्स रातों रात आसमान छूते हैं, और कॉम्पिटिशन का प्रोडक्ट बेहतरीन होने के बावजूद धूल में मिलता है, बराबर है? हाँ, मगर तुम कहना क्या चाह रही हो? सुनो, देखो अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, गुस्सा मत होना। हाँ मतलब एग्जाम्पल के तौर पर ये मान लो कि तुम एक घटिया प्रोडक्ट हो, और तुम गुस्सा मत होना, बस एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। हाँ देखो तुम एक घटिया प्रोडक्ट हो ये मान लो, और तुम्हारा भाई डॉक्टर गजानन सक्सेना एक बढ़िया प्रोडक्ट है। तो अब जैसे ही तुम्हारा भाई इंडिया पहुंचता है, तुम्हें सारे मीडिया का फोकस, यानी टीवी, रेडियो, प्रेस, सारे मीडिया का फोकस तुम पर लाना है, तुम्हारे अचीवमेंट्स पर लाना है। इससे क्या होगा, डॉक्टर सक्सेना सब कुछ अचीव करने के बावजूद हाथ मलता रह जाएगा। तुम्हारे मन में क्या है साफ साफ बोलो। ठीक है तो सुनो, सुनो मेरा चक्रव्यूह क्या है। एयरपोर्ट से लेकर उसके अमेरिका वापस जाने तक तुम इतने तार खींचो कि अगर तुम्हारा भाई एक तार काट दे तो 10 तार तन जाए। और हाँ, टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, सारे मीडिया के सूत्र तुम खुद संभालो, और हर वक्त हर जगह फोकस अपने अचीवमेंट्स पर रखो। जिस तरह गेहूं में रहकर घुन उसे खोखला बना देता है ना, बिल्कुल उसी तरह तुम अपने भाई के साथ रहकर उसकी शोहरत जान जाओ, और ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है, पावर है, साधन है, और क्या चाहिए हमारे हिंदुस्तान में। कभी कभी तुम्हारे अंदर मुझे श्रूड डिक्टेटर पॉलिटिशियन नजर आता है। यू आर ग्रेट, सिंपली ग्रेट। सही तरीके से साफ करो, अमेरिका वाला स्टैचू आने वाले हैं। आप फिकर मत करो, ऐसी चमकाएंगे हमारी हवेली के व्हाइट हाउस से भी ज्यादा चमकेगी। ऐसे बातें करते रहोगे ना तो बन चुका व्हाइट हाउस तुम्हारा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। दीदी आप फिकर मत करो, हो जाएगा। गिरे, गिरे, गिरे!
तार बचा के बस। अरे तुम बंद करो बेटा, तुम जाकर के नीचे खाना खाओ, मैं करता हूँ। हटो, चलो रहने दीजिए, बच्चे कर रहे हैं ना। अरे ये क्या पुताई हो रही है? हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भाभी आप कितना भी रंग रोगन कर लीजिए, हम अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। अरे काहे का रंग रोगन बहू, बस ये है कि इस बहाने घर की सफाई हो जाती है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि देवर जी और उनका परिवार यहाँ ठीक से रह ले। इससे ज्यादा तो हम लोग की हैसियत भी नहीं है। अरे बहू हमारे दो दो घर हैं, एक तो पुष्टैनी और दूसरी ब्रह्मा की कोठी, जहाँ चाहेंगे वहाँ रह लेंगे वो लोग। वो एक्चुअली भाई साहब मैं सोच रही थी कि देवर जी के ग्रैंड रिसेप्शन के प्लान्स हम लोग फाइनलाइज कर ले क्या? बहू अगर ब्रह्मा होता तो बहुत अच्छा होता, वो इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। हाँ वो आना चाहते थे पर क्या हुआ ना कि अचानक उन्हें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए कोलकाता जाना पड़ा, इसलिए वो चले गए। लेकिन हाँ जाने से पहले उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। बहुत मेहनत करता है, सुबह एक शहर में शाम को किसी दूसरे शहर, पैसा कमाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अरे चलो दिखाओ 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 ना। हाँ ये देखिए भाई साहब, मैंने मिनट मिनट का प्लान बनाया है। हाँ ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट होगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। अरे वाह बहू वाह। अरे भाई अभी तक तो हम ऐसी चीजें सिर्फ अखबारों में पढ़ा करते थे, या फिर ऐसा होता था कि कोई हम देखने जाते थे किसी वीआईपी को तो पुलिस वाले धक्के दे रहे हैं ये वो। अब तो लग रहा है कि गज्जू की वजह से हम लोग भी बड़े इम्पोर्टेंट से आदमी हो गए। लेकिन इसमें भाई साहब का पैसा बहुत खर्च हो जाएगा ना? भाभी सवाल पैसों का नहीं है, हमारे देवर जी की शान का है। और सच बताऊं इतने पैसे तो इनके ऐसे भी खर्च हो जाते हैं किसी पॉलिटिशियन के तामझाम में या फिर किसी की मदद करने में। आप पैसों की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अरे बहू बहू मेरी बात सुनो, हम लोग नौकरी पेशा आदमी हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं हम। अगर 5% भी तनख्वाह बढ़ जाती है ना तो हमारे घर में खुशी हो जाती है। अच्छा तो भाई साहब ये सब मैं फाइनलाइज कर लूं, मतलब तैयारियां शुरू कर दूं? बहू तुम जो मन में आए वो करो, पर एक बात का ख्याल रखना, बाबूजी और कच्चू को अच्छा लगना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, तो मैं चलती हूँ। हाँ बहुत सारी तैयारियां करनी है। ठीक है नमस्ते, बाय 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 बाय। काम 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 शुरू करो। कितना ख्याल रखती है बेचारी। तैयारी भी नहीं की कुछ। संगीता दीदी, लल्ला जी, कच्चू कितनी देर लगा दी तुमने आने में। हाँ इन 20 सालों में तुम्हें अपनी भाभी माँ की जरा सी भी याद नहीं आई? इतने निष्ठुर हो गए तुम। बेटा ये है हमारा लाइफस्टाइल, हमारी संस्कृति में भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है। और ये आंसू की बाढ़ तब आती है जब हम बहुत खुश हों या बहुत दुखी हों, और वो भी तब जब मन और मस्तिष्क निश्चल हो, न कोई छल न कोई कपट। आशीर्वाद तो पापी माँ। Yeah.
बाबू रानी। नो थैंक्स। ठीक है बिटिया, तुम्हें लगा दूं टीका? जीती रहो। गज्जू जाओ बेटा, चित्रगुप्त महाराज जी के दर्शन कर लो, उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे खानदान की टूटी हुई कड़ी फिर से मिली है। जी बहू जी। बहू जी मैं अपना कमरा देखना चाहता हूँ। देखा बहू जी, अपना गज्जू बिल्कुल भी नहीं बदला। बदलेगा कैसे परमु? That is trying crack. It's Indian traditional style, yeah. नहीं बेटा, ना तो ये अभिनय है, ना ही कोई ट्रेडिशन। हम हिंदुस्तानी इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को बहुत महत्व देते हैं। तुम्हारे डैडी इसी कमरे में, इसी टेबल पर, इसी चेयर पर बैठ के पढ़ते थे, इन किताबों से, कलमों से लिखते थे और इनसे दुआ करते थे कि मुझे काबिल बनाओ, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं। तो देखा बेटा, आज तेरे डैडी के सपने पूरे हो गए और ये इन सब का शुक्रिया अदा कर रहा है। ये इमोशन, ये सेंटिमेंट सिर्फ तुम्हें हिंदुस्तान में मिलेंगे बेटा, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कभी नहीं मिलेंगे। लिखा जो पुण्य का लिखा जो यहां पर एक घड़ी हुआ करती थी, हाँ यहीं पर टंगी रही करती थी वो, उसमें मैंने माँ की तस्वीर लगा दी थी और जब उसका गुजार होता था तो ऐसे लगता था कि माँ मुझे कह रही है बेटा जल्दी कर वरना दुनिया आगे निकल जाएगी, तू पीछे रह जाएगा। देखो माँ, देखो तुम्हारा गज्जू पीछे नहीं रहा, आगे निकल चुका है, अब तो खुश है ना माँ, अब तो खुश है ना। डॉक्टर गजानंद, वो घड़ी बाऊ जी ने अपने कमरे में लगा रखी है, मैं भी लेकर आता हूं। अरे नहीं भाई साहब, नहीं वो वही ठीक है। 20 साल में कितना कुछ बदल जाता है लेकिन ऐसा लगता है इस घर में बिल्कुल कुछ भी नहीं बदला। चाची जी चलिए नीचे, नाश्ता आप सबका इंतजार कर रहा है। हे, तू संगीता है मेरी सबसे बड़ी भतीजी, राइट? हाँ बेटा ये वही है, इसने मेरी नाक में दम कर रखा था कि जाओ मेरे चाचू को मिल के आओ। पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, लगता है पिछले जन्म में मेरी दादी रही होगी। भाई दूर था तो क्या हुआ, हूं तो इसका सगा चाचा ही ना। थैंक यू संगीता, थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से बात करने के लिए, थैंक यू। अब आओ चलो इनसे मिलो, ये है तुम्हारी चाची। हाय। और ये है साइन, तुम्हारा भाई। हेलो। और ये तुम्हारी बहन साइना। हेलो। हेलो। अरे बेटा, इनसे इनके स्टाइल में नहीं, अपने स्टाइल में मिलो, क्योंकि ये यहाँ पर हमारा लाइफस्टाइल सीखने आए हैं। चलो साइन भैया, बड़ी बहन के पांव छुओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। देखा बहू, देखा सही ना, मैं कहता था ना
आखिर तुम हो तो हमारी मिट्टी के ना। जैसे ही तुम्हें अपने देश की आबोहवा मिलेगी, तुम अपनी अहमियत खुद पहचान लोगे। साइन का अपनी बहन के पैरों में गिरना इस बात का सबूत है। नाश्ता वाश्ता तैयार हो गया तो चलो फिर। चलो बेटा। कह रहा था इन तिलों से तेल नहीं निकलने वाला, अगर तुम्हें तो मेरी दौलत उड़ाने का शौक है ठीक है उड़ा। रास्ता बदल लिया आपके देवर ने, लाखों का जुआ हार गया। अभी भी कह रहा हूं मैं, इन लोगों से संबंध तोड़ लो ना, कीचड़ में पत्थर फेंकूंगी तो कपड़े तो हमारे भी गंदे होंगे ना। अरे जो करना है मेरी तरह ताल ठोक कर करो ना, दोस्ती तो दोस्ती दुश्मनी तो दुश्मनी। पता नहीं कहां कि ये गेहूं घुन को चाटने वाले घटिया तरीके अपनाती हो तुम। मेरे तरीके घटिया है या बढ़िया है इसका फैसला अभी होना है, जस्ट वेट एंड वॉच। अगर तुम्हारे उस भाई के गले में भी मैंने पट्टा गज्जू भैया तुझसे आज एक छोटी सी नादानी हो गई। बताइए भाई साहब, तो गलती सुधार लेता हूँ। देख ब्रह्मा ने भैया तेरे लिए बहुत सारा पैसा बर्बाद किया, पानी की तरह से पैसा बहाया। और बहू भी बेचारी कितनी मेहनत करती रही, उसने घर पर इतने सारे लोग बुला रखे हैं, बैंड बाजा बुला रखा है, ट्रक भर करके फूल मंगा रखे हैं, पता नहीं क्या क्या उसने कर रखा है। तो क्या करे भाई साहब। मेरी एक बात मान, तू छूटा है, जाकर के उससे माफी मांग ले। अरे कह देना कि तुझसे ये सब अनजाने में हो गया। और अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जो किया वो पूरे होश हवास में सोच समझ कर किया है तो। ये क्या कह रहे तू। नहीं घबराइए नहीं भाई साहब, मझले भाई साहब का सर थोड़ा नीचे कर देना चाहता था, क्योंकि घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। किस सोच में पड़ गए भाई साहब। अरे कुछ नहीं भैया, थोड़ी देर के लिए अपने अरबपति भाई ब्रह्मानंद और दुनिया के इतने बड़े साइंटिस्ट गजानंद के बड़े भाई होने का एहसास कर रहा था। वो तो आप हो ही भाई साहब। भैया मेरे दोनों छोटे भाई इतने बड़े बड़े हो गए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अगर मैं बड़ा नहीं हो पाया तो क्या हुआ। परमो तू क्यों कोसता है अपने आप को बेटा, मैं जानता हूं तू क्या है। तू अपने आप को भौतिकता के तराजू में नहीं, अध्यात्म के तराजू में तोल। अरे बेटा पाप करना तो दूर, तू पाप के बारे में सोच भी नहीं सकता। वाह वाह बाबूजी वाह, क्या बात कही है आपने। वाह आज आपने भाई साहब को उनका असली आईना दिखा दिया। वाह एक बेटे को अपने बाप से उसके चरित्र पर ऐसा प्रमाण पत्र मिलना असंभव है भाई साहब। Sora.
हे भगवान, हे भगवान, छोटे लैला की रक्षा करना। भगवान, तीनों भाइयों में फिर से प्रेम हो जाए। बाबूजी का और छोटे लैला का रिश्ता फिर से जुड़ जाए। अब तो बाबूजी अमेरिका पहुंच भी गए होंगे। हे भगवान, क्या करना? भगवान, चित्रगुप्त, कुछ समय के लिए मैं भी स्तब्ध था। प्रभु, अपने मानव जाति को कई उपहार दिए हैं, लेकिन पृथ्वीलोक पर एक उपहार जो आपके तीनों लोकों से अलग है, जिसमें अर्थ चेतना का संसार होता है, जिसे स्वप्नलोक कहते हैं। स्वप्नलोक का निर्माण मानव मन अपने संस्कारों और कार्यकलापों के अनुसार करता है। ये स्वप्न भी ईश्वर दयाल की बहू के हृदय में छिपे भय, प्रसन्नता एवं अप्रिय प्रिय घटनाओं के चेतन मन की कल्पना मात्र है, जो स्वप्न में दिखाई देते हैं। हर इंसान का अक्स वहां पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान